पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमने कॉन्फिडेंस और डर दोनों को एक साथ महसूस किया, बिकॉज मॉर्निंग में हमने तो इसके अंदर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ले ली थी, बट जिस वक्त हमने आज जिस स्टॉक में ट्रेड किया, कोल इंडिया के अंदर हमने शॉर्ट सेलिंग की, हमें नहीं मालूम था कि निफ्टी में आज इतना बड़ा बवाल होने वाला है, इतना बड़ा एक अप मूव जो आया है निफ्टी 50 अगर आपने देखा होगा तो मॉर्निंग से ही देखिए इसने कितना बड़ा एक मोमेंटम दिखाया। मूवमेंट में दो तीन कैंडल बना करके थोड़ी सी डाउन साइड का मूव इसने दिखाया था, हालांकि जिस तरह से एनालिसिस हमारी कोल इंडिया के अंदर थी उस तरह से कोल इंडिया हमारा गिरा ही है, बट इंडेक्स अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 तो इसने अप मूव ही दिखाया है। हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी थी कि कोल इंडिया में एक अच्छा टारगेट डाउन साइड की तरफ दे करके जाना चाहिए, हालांकि इसका मेन टारगेट हमारा 343.05 का था, वहां तक नहीं हुआ, बाद में ब्रोकर ने हमें 345.05 पर निकाला। निफ्टी ने अप मूव दिखाया और हमने जिस स्टॉक को दिखाया ट्रेड किया पूरे दिन इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग होती रही, और सिर्फ शॉर्ट सेल नहीं हुआ है, ये स्टॉक आज अपना टॉप लूजर में भी आ गया है। अलाउ हो जाने के बाद में बहुत सारे नोटिफिकेशन से लोग सेंड करने लगते हैं, ये हमें ब्लॉक करना है। यहाँ पर देखिए इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, एक्सिस, पावर ग्रिड और थर्ड नंबर पर देखिए कोल इंडिया आया, तो हमने जिस स्टॉक को सिलेक्ट किया था ट्रेड करने के लिए टॉप लूजर्स की लिस्ट में आ गया। हालांकि ये गिरा है बट और भी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस को 343 का टारगेट देना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर क्या था ना, ये एक टारगेट एरिया था, जैसे इस जगह पर देखिए ना, ये कल का सपोर्ट पॉइंट था, यहां तक मार्केट तो रुकेगी, लेकिन अगर ब्रेक कर दिया ना इसने तो कुछ यहां पर देखिए इसके सपोर्ट मिल रहे, तो इतना एरिया पूरा का पूरा खाली है। हम पूरा एरिया नहीं, सिर्फ इतने भर का हमने इसके अंदर अपना टारगेट सोचा हुआ था कि अगर यहाँ तक भी गिर जाएगी मार्केट तो अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। हालांकि प्राइस अपने सपोर्ट पर आया, बाद में हमने एग्जिट नहीं किया, हमें ब्रोकर ने ही बाहर निकाला, तो करीब 11,000 रुपये के आसपास का कुछ का प्रॉफिट लेकर के हम कोल इंडिया से बाहर हो गए। और पूरे दिन जो हमारी पोजीशंस चल रही थी हम यही सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि निफ्टी में अप मूव हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा मूव हो रहा है, ऐसा ना हो कि कोल इंडिया हमारा अपसाइड की तरफ चला जाए। इसने एक हाई लगाया था, हालांकि ये लाइफ टाइम हाई नहीं था, जब हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो समझ पाएगा बिल्कुल शुरुआती फेज़ में ये इससे भी ज़्यादा 353 चल रहा है ना, ये करीब 450 के आसपास का ये हाई लगा करके नीचे की तरफ गिरा है स्टॉक, बाद में डाउनफॉल इसके अंदर होता रहा और अभी देखिए ये पिछले एक दो महीने से कॉन्टिन्यूसली अपसाइड की तरफ जा रहा है इस वाले स्विंग को क्रिएट करने के बाद में। ऐसा देखोगे तो यहाँ से लेकर के सीधे यहाँ तक की रैली है, ये जो स्विंग है इससे कैसे प्राइस ने सीधे अप मूव दिखाया। अब बात करते हैं कि हमने रिवर्स मार्केट में ट्रेड क्यों किया, मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्यों ट्रेड किया। कोल इंडिया हालांकि हम देख रहे हैं कि प्राइस हाई लगा रहा है बट इनकी वॉल्यूम्स कॉन्टिन्यूसली गिरते हुए क्रम में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। कैंडल्स की रैंकिंग्स तो अपसाइड की तरफ इंक्रीज हो रही हैं बट क्वांटिटीज़ कम होती जा रही हैं, वॉल्यूम्स गिर रही हैं। क्योंकि हाइस लग रहे हैं तो बायर्स इसमें बहुत अच्छी तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा होगा, जो रिटेल ट्रेडर देख रहा है कि कॉन्टिन्यूसली जो हाइज हैं ये ब्रेक हो रहे हैं अपसाइड की तरफ। देखिए यहाँ पर भी ब्रेक हुआ, इस जगह पर भी ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक हुआ, इसलिए हमने कहा कि प्राइस हाई तो मार रहा है, कैंडल्स रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपसाइड की तरफ बढ़ रही हैं बट इनकी वॉल्यूम्स, इंटरेस्ट लेवल, क्वांटिटीज ये सब डाउन साइड की तरफ आ रही हैं, ये गिर रही हैं। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लेते या फिर अपनी प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर जैसे ही प्राइस हमारा एंटर करेगा ना, इसके अंदर आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा और यही हम आज के वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक हम वीडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ ट्रेड्स किए थे और उसको हम डिस्कस कर रहे थे। लाइव मार्केट के डिस्कशंस वो सारे अलग होते हैं कि जब सभी लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उसको लाइव मार्केट में ही देखते हैं। इसके अलावा जब पूरा वीक के पूरे वीक के ट्रेड्स अपने कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर लास्ट के जो सेशंस होते हैं, जो लास्ट वीकेंड होता है, तो वीकेंड में पूरे वीक के जितने भी ट्रेड किए हुए होते हैं हम लोगों ने उसको एनालिसिस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो एक पूरी वीडियो है, पूरी क्लास है, हम सिर्फ आधी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करेंगे। रीज़न क्या उसको शेयर करने का, सिंपल सी इतनी सी बात समझो, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट, सिंपल सी बात सिर्फ समझना, सिंपल सी बात है, अगर आपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट कुल मिलाकर के मैनेजमेंट को अगर आपने समझ लिया और उसको कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल कर लिया और जिस सिस्टम के साथ हम ट्रेड करने के लिए बोल रहे हैं उस सिस्टम को एक बार अंडरस्टैंड कर लिया, तो लॉस मतलब बहुत मुश्किल होता है कि फिर लॉस होंगे ऐसे देखा जाए तो फिर वीक में आपके एक या दो स्टॉप लॉस चले जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जब आप निकालोगे तो वो प्रॉफिट में आएगा। सबसे पहले आज के ट्रेड को समझते हैं। देखिए प्राइस हमारा क्या कर रहा है, अप मूव दिखा रहा है, अगेन एंड अगेन इसके अप मूव होते चले जा रहे हैं डाउन से लेकर के अपसाइड की तरफ। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि प्राइस देखिए आपका हाई लगा रहा है, इस जगह पर भी हाईस लगे हैं, यहाँ पर भी हाई लगा और ये एक हाई लगा था। हमें वेट करना था कि प्राइस हमारी रेंज के अंदर, प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर करेगा, हम इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। अब शॉर्ट सेलिंग करनी क्यों है, देखिए हम लोग एज अ रिटेल ट्रेडर आप देखोगे कि यहाँ पर बार बार हाईज ब्रेक हो रहे हैं,
हाइज ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए हाइज ब्रेक हो रहे हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल इसके अंदर बाई करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो यहाँ पर वॉल्यूम का गेम समझ रहा है और ओवरऑल सेंटिमेंट देख रहा है, तो देखिए प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है बट वॉल्यूम्स कॉन्टिन्यूसली गिर रही हैं, वॉल्यूम्स गिर रही हैं। ये एक क्लाइमैक्स लगा है, जिसको कि हम बोल सकते हैं एक रेजिस्टेंस पॉइंट लगा। अगर ये वाली कैंडल भी अपनी प्रीवियस रेंज के अंदर आकर के क्लोज करती तो यहाँ पर एक मूवमेंट हम शॉर्ट साइड का देख सकते थे कोल इंडिया को। बट लास्ट सेशन में देखिए इसने हमें चांसेस नहीं दिए थे ट्रेड करने के लिए, तब हमने फिर दूसरा स्टॉक ट्रेड किया था, बट ये मेरी वॉच लिस्ट में था। जैसे ही प्राइस 350 की रेंज के अंदर लगा कि आज इसका मूवमेंट 350 के अंदर होना चाहिए, तो इसको हमने किया ट्रेड। अब ये देखना है कि ब्रेकआउट से पहले जो कन्फर्मेशंस मिलते हैं वो किस तरह के, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर तो हम देख रहे हैं कि प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, बट इसके स्ट्रक्चर्स गिरते हुए क्रम में जा रहे हैं, वॉल्यूम्स गिर रहे हैं। हमने इसके अंदर अपनी एक मास्टर कैंडल फाइंड आउट की, विच इज़ दिस वन। लोअर टाइम फ्रेम्स पर हमारे सपोर्ट कहाँ पर बन रहे थे, वो ये वाले थे, यहाँ पर इसको मिल रहे थे सपोर्ट। और प्राइस कल के सेशन में ये वाला देखिए, यहाँ पर भी कल के सेशन में मार्केट जिस जगह से सपोर्ट ले रही थी, प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया। और आज भी देखिए मार्केट ने क्या किया ना, यहाँ से सपोर्ट लिया, लेकिन अब देखो कि ट्रेड एग्जीक्यूशन तो अपना इस जगह पर कहीं हो गया और प्राइस तो बाद में नीचे की तरफ आया ना। तो ये जो इतना बड़ा मूवमेंट है, ये वाला मूवमेंट हमें एक्स्ट्रा मिला, कैसे, हम लोग कल के सेशन से इसको देखते हैं। जैसे ही कल हाई लगा, अभी हमने आपको बताया ना कि कल के सेशन में भी हमें ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, बस ने मौका नहीं दिया। एक हाई लगा, हाई लगने के बाद में देखिए यहाँ पर दो ही कैंडल के अंदर पूरी मार्केट खत्म हो गई। कौन सी हैं वो दो कैंडल्स, ये हाई और ये लो, इसके अंदर कल की मार्केट खत्म। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिए मे बी चांसेस हैं कि कन्फ्यूज़न बहुत हो जाए इसके अंदर, आपको क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाए। वीडियो को थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर भी हम अपडेट करते रहते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें, एक हाई यहाँ पर लगा, एक लो यहाँ पर लगा, क्या कल के हाई को एज अ रेजिस्टेंस एंड लो को एज अ सपोर्ट हम लोग ले सकते हैं? अगर हम लोग जिस कैंडल ने लो लगाया इसे अगर एक सपोर्ट माने यहाँ पर, तो क्या इस कैंडल के हाई को एक रेजिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं? अगर हम लोग इसको रेजिस्टेंस के वे में देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्या कर रही है, प्राइस इस जगह पर कितने ही बार, कल के सेशन में देखो आप कितनी बार यहाँ पर रुका है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब जब प्राइस आपका इस जगह पर आए, इसके अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई हैं, जब जब प्राइस इस जगह पर आए वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट एक इंटरनल स्ट्रक्चर शो होते हैं, उसके अंदर मार्केट हमें शो कर रही है। कुल मिलाकर के ये एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया अपना बन रहा है, ठीक है। अब क्या इस रेजिस्टेंस से हम लोग किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? देखिए कल के सेशन में मार्केट अपसाइड की तरफ नहीं गई है, अगर इसे ऊपर की तरफ जाना होता तो ये यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस नहीं लेती, यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ चली जाती, बट यहाँ से ये नीचे की साइड में गिर गई, मतलब कि यहाँ से इसको सेलर्स मिल रहे हैं। सिम्टम्स देखिए कल से हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पर इसको सेलर्स मिल रहे हैं, बट ऐसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो प्राइस हाई 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 क्या हो रहा है, बाई हो रहा है ना। अब कल ही अगर मार्केट हमारे इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती तो इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग हो सकती थी। तो देखिए प्राइस ना तो कल इस लेवल के नीचे गया सपोर्ट ब्रेक करके, और ना ही इसने कल रेजिस्टेंस ब्रेक किया। तो कल के सेशन से हम लोग एक चीज़ ये समझ पा रहे हैं कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर इस ऊपर की तरफ जाना है तो फिर इसे अपने रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए यहाँ से। बट इसी जगह से जहाँ से कल मार्केट रेजिस्ट हो रही थी, जहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रहे थे, आज भी देखिए मार्केट ने ओपनिंग यहीं पर दिखाई। अब अगर प्राइस को स्ट्रांग होना था, मतलब कि ऊपर की तरफ जाना था, तो क्या करना होगा? कल अगर इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया तो ये फिर आज कर देता। अगर आज करता तो प्राइस अपना कल का ये जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता। तो सबसे पहला ये देखिए, इसके बाद में मार्केट आपके दोनों ही सपोर्ट के नीचे की तरफ। अब हमें क्या चाहिए? ब्रेकआउट होने से पहले के सिम्टम्स होते हैं ये देखिए। प्राइस क्या कर रहा है ना, हमें ब्रेकआउट होने से पहले के सिम्टम्स दिखा रहा है कि चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस आपके इस वाली रेंज के अंदर आकर के आपका कल का सपोर्ट पूरी तरह से ब्रेक कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो मूवमेंट के अलावा, डाउन साइड के मूवमेंट के अलावा, हायर बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्राइस फिर हमारा अपसाइड की तरफ जाए। यहाँ पर देखें प्राइस हमारा नीचे की दिशा में आया, यहाँ पर आया और कॉन्टिन्यूसली अपने सपोर्ट को दिन भर इसने सिर्फ वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट ही दिखाए हैं।
मॉर्निंग में 925 की कैंडल को एज अ इंडिकेशन हमने यूज़ किया, प्राइस ने एक लोअर वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिखाया, वापस से देखिए प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया, हाई वॉल्यूम आई प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया। तो क्या कर रहा है ये, देखिए रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहा है, ये होता नहीं पूरा ट्रैप होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है बाई कर लो, यहाँ पर देखिए सेलर्स की वॉल्यूम कम हो रही है सेल मत करो बाई कर लो, ये ट्रैप होता है। बट ओवरऑल तो हम देख रहे हैं कि अगर इसे ऊपर की तरफ जाना है तो 353 के ऊपर निकलना होगा। ये सारी चीज़ें आप कब कर सकते हो, जब बड़े प्रोस्पेक्टिव से आप देखो, लेकिन जब वही है कि ग्रीन कैंडल देखा बाई रेड कैंडल देखा शॉर्ट, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको समझ में नहीं आएंगी, दिखाई ही नहीं पड़ेंगी, समझना तो बहुत दूर की बात है। अब पहले हमने हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस की, इसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम के एनालिसिस की, कल का अपना रेजिस्टेंस एरिया निकाला, तो प्राइस डेली टाइम फ्रेम के नीचे कल के रेजिस्टेंस के नीचे, तो वीक तो ये ऐसे ही है। अब वीकनेस वीक है स्टॉक और आपको दिखा रहा है बाई, तो ये तो ट्रैप हो गया एक तरह का। प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए आपको बाइंग की सिम्टम दिखा है बट अपने रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर ले गया, ये इतना चालाक है, रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट करके सीधे नीचे की तरफ गिर गया। तो जैसे ही प्राइस इस ग्रीन वाली कैंडल को फॉर्म करने के बाद में नीचे की तरफ आ रहा था ना, यहीं पर हमने अपने एंट्रीज के कन्फर्मेशन लिए थे, 353 पर अपनी एंट्री थी एंड स्टॉप लॉस हमने जस्ट डे हाई पर लगा रखे थे। जो क्या होगा तो मार्केट क्लोज हो गई है तो बहुत आराम से बोल दे रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा होता वैसा वैसा होता, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाएगी। प्रेजेंट जैसे सपोर्ट लिया था ना इस जगह पर, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता तो सीधे मार्केट नीचे की तरफ आनी चाहिए थी, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता तो मार्केट सीधे यहाँ से नीचे की तरफ आनी चाहिए थी, बट नीचे नहीं आई, यहीं पर क्लोज हो, ब्रोकर ने निकाला तो फिर हम यहाँ से निकले और उसने जो प्राइस दिया वो ठीक है, उस पर हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। सो ये हमारा ओवरऑल आज का ट्रेड। आपको ये सिस्टम्स यूज़ करने, आप कहीं पर भी किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी सेगमेंट में यूज़ करो। तो नेक्स्ट पार्ट में अब आप लोगों के साथ हम वो क्लिप शेयर करेंगे, तो वो क्लिप ध्यान से सुनिएगा एंड आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन। दो स्टॉप लॉस गए हैं जी, बाकी तीन में सेल सेफ है जी। ओके, जिनमें दो में स्टॉप लॉस के उनमें लेकर के कुछ डाउट? हाँ यस सर, मैं एक्चुअली उसका ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा इसमें, और एक बार देख लीजिएगा सर। स्टॉक बोलिए, SCL टेक है 8 तारीख का। SCL टेक जी, बढ़िया चला है। 1280 का वो था डे टाइम फ्रेम, क्या प्राइस क्या था? 1280 डे टाइम फ्रेम का प्राइस था और 1280 बिल्कुल सही है। एंट्री कितने पर की? 1279.2 में सर, 1279.2 यहाँ पर एंट्री कर ली। तो क्या क्या किया, क्या था आपने इसमें? बाई किया सर। ओके, ये मेरे को लगा कि शायद ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। एक एंट्री के लिए क्या देख रहे थे आप, क्या किस चीज की कंफर्मेशन ली एंट्री के लिए? हायर टाइम फ्रेम पर सर, हायर नहीं हायर नहीं, वो तो हो गया, वो आपने लेवल 1280 का आपका हायर टाइम फ्रेम का था, आपने एंट्री बाई सेट की अपने हायर डे टाइम फ्रेम के लेवल के नीचे अपनी एंट्री कंफर्म कर ली। तो नीचे कौन से कंफर्मेशन देखे थे आपने, क्या देख करके ट्रेड किया था ये बताइए? जो एक मदर कैंडल बना था सर, वो ब्लैक वाला जो है ना, 4 2 3 4 राइट ये वाला। मनोज जी सारी चीजें सही हैं, लेकिन अपने डे टाइम फ्रेम के लेवल के ऊपर में ही करिए जो करना है। यस, वो मेरे को लग रहा था सर कि मैंने गलती कर दी, इसको ऊपर ही करना चाहिए था। हाँ, तो लेकिन मैं थोड़ा सा पहले कर लिया इसको। कोई भी है, मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम का अगर आप कोई भी लेवल ड्रॉ कर रहे हो, बाई करना है लेवल के ऊपर, सेल करना है लेवल के नीचे। अब लेवल के ऊपर अपने एंट्री की कंफर्मेशन लीजिए, लेवल के नीचे कोई भी फॉर्मेशन आपकी बन रही ब्रेक हो रही बन रही ब्रेक हो रही आपको करना है बाई, तो हम कुछ नहीं करेंगे फिर इसके अंदर जी, यही गलती हुई थी मेरे से। कोई नहीं, फिर तो सही हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं जी। और सेकंड जो ट्रेड था सर वो था 10th को DLF में, 600 इसका लेवल था डे टाइम फ्रेम का, ये भी सही चला। इसमें क्या किया था? इसमें सेल किया था सर 599.35 पे, 599.35 अच्छा, ये था 1045 का कैंडल था। 10 तारीख को आपने इसको शॉर्ट किया था, कैंडल्स वीक बन रही थी सर, मेरे को लगा शायद यहाँ से इसको आना चाहिए नीचे। 1045 का कैंडल था, रिट्रेसमेंट का वेट किया था ना आपने? जी ठीक है, जाने दिए, जेन्युइन है एक तरह से देखा जाए तो। ये सही है, इसमें बहुत ज्यादा सोचिए, डीएलएफ का ट्रेड सही है।
इसके पहले वाला जो आपने किया था ना वो वो थोड़ा हाँ जल्दी कर लिया था मैं जी, थोड़ा जल्दी कर लिया ये जेन्युइन है, इसको जाने दीजिए आप। तो ठीक है पंत साहब, बढ़िया है। जी पांच सर। सेट किए, पांच में से दो में एसएल है, जिसमें से एक जेन्युइन स्टॉप लॉस है आपका, बाकी एक वो सही हो जाएगा, वो अपने अपने लेवल के नीचे उसको बाई कर लिया था, जी उसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है फिर, मतलब सही मुझे लास्ट लगा वीक। कि शायद इनर फॉर्मेशन उसमें ब्रेकआउट हो गया था, तो हाँ मेरे को हाँ लगा कि सर जी। ओके मनु साहब, बढ़िया है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू दीपेंद्र जी, मैं क्या कर इतना। सर। हाँ गुड इवनिंग सर। लास्ट गुड इवनिंग दीपेंद्र साहब, क्या रहा लास्ट वीक का? ट्रेड, हाँ लास्ट वीक अच्छा ही रहा। पांच ट्रेड किया, पांच नहीं छह हुआ, तीन में एसएल, तीन में प्रॉफिट बुकिंग किया, टारगेट हिट हुआ, और एक में एसएल गया। टोटली एसएल की बात करें तो दो तो मैंने क्या कर दिया, ट्रेड लिया था, फिर बाउंस बैक आया, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। और एक बात आपको पूछना था, आपने बोला था ना एक बार ट्रेड लेंगे उसके बाद ऐसे लगेगा या टारगेट हिट होगा। टारगेट मिलेगा। हाँ अब मेरा एक एक बात है, जब ऊपर जाके कभी कभी नीचे आ जाती है रिटेस्ट करने के लिए, फिर भी उसके भी नीचे, अब दिख रहे हैं कि इसका ऐसे लगने वाला है, अब जा रहा है, लास्ट टाइम मैंने जाने दिया, फिर एक बात मन में आएगी, ये तो मैं दिख रहा हूँ तो फिर इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना ही अच्छा लगता है, नहीं वो नहीं क्या नहीं नहीं होता सर? नहीं 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 ऐसा नहीं देना। ऐसा देना है। हाँ चुपचाप ऐसा दे दीजिए। ठीक है। तीन तो बड़े अच्छे गए, एक एक ऐसा लगा, और दो में ऐसा ही मैंने, आपने डिसाइड किया कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, फिर नहीं छोड़ेंगे इसको, पैसे हार्ड हार्ड मनी है, क्यों इसको लॉस करना, इसीलिए मैं निकल गया। हाँ ठीक। टोटल 6 ट्रेड हुए हैं, जिसमें से एसएल गया है एक, और पांच में एसएल सीखा है। हाँ तीन नहीं छह में एक एसएल गया, दो में निकल गया, तीन टारगेट हिट हुआ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम पांच का एसएल सेफ मानेंगे, जिसमें भी एसएल आप बचा के ले जाओगे वो अपना सक्सेसफुल ट्रेड होता है, वो सक्सेसफुल ट्रेड होता है वो। हाँ वो तो है। तो ठीक है फिर, 6 में 1 एसएल है, 5 सेफ है। बाकी जो आपको क्वेश्चन है ना, ठीक है ये दिख रहा है 5 पैसे 10 पैसे जो भी है, कॉस्ट कॉस्ट आपका मन कर रहा है निकलने का, एक बार निकल जाओगे दो बार निकल जाओगे, लेकिन कैफ हमने हमने बहुत देखा है, हमने बहुत ट्रेड्स में देख रखा है। प्राइस सीधे आएगा आपके एंट्री लेवल से नीचे तक आएगा, और यहाँ से सीधे फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, बता नहीं सकते कि प्राइस आपका ऐसे हिट ही कर देगा। ये रूटीन जो अपने हम लोगों ने बनाए हैं अपने, कि एंट्री लेने के बाद में या तो ऐसे ले टारगेट, ये इसीलिए है ऐसे ले टारगेट, क्योंकि कई बार प्राइस में डराने के लिए आएगा, डरपा करके हमें निकाल देगा फिर टारगेट दे देगा। ये चीज हमने ऑब्जर्व की है कि फिर निकलना नहीं है, या तो एंट्री ले लें या तो हमें स्टॉप लॉस मिल जाएगा, नहीं तो टारगेट मिलेगा। आप जैसे ठीक है सर। आपको ये प्रिडिक्शन हो रहा है कि एसएल आपका पहले चला जाएगा या एसएल हिट हो जाएगा, वैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, आप टारगेट तक वेट नहीं करो, आपको लगेगा कि अरे 100 रुपये का टारगेट था हमारा, प्राइस आपका 97 पहुंच चुका और आपने 95 पर एंट्री की थी, और आपको ऐसा लगेगा कि 97 से नीचे आ जाएगा, 97 पर आप बुक। इसका साइड इफेक्ट भी तो सोचिए ना, इसका अपोजिट साइड भी सोचिए। अगर आप पूरे एसएल के लिए वेट नहीं करोगे तो 101% आई एम श्योर कि आप 100 रुपीज के टारगेट के लिए भी वेट नहीं करोगे। खुद से सोचिए, उठाओ आप अपना लॉजिक लगाइए इसमें। अगर हम पूरा टारगेट एसएल नहीं हाँ देंगे तो फिर 100 रुपीज का पूरा टारगेट नहीं लेंगे, और यही मेन यही चीज रहेगी हमारी कि 94 पर हमारा एसएल लगा हुआ है, 95.50 पर आ गया, आपको लगेगा कि अरे ये तो हिट हो गया, चलो पहले से निकल जाए। वैसे प्राइस 100 रुपीज टच करने से पहले 97 पर पहले जाएगा, आपको लगेगा कि प्राइस हिट जाएगा, 97 से ही ये नीचे आ जाएगा, आप बुक कर लोगे, प्राइस आपका 100 टच कर जाएगा। एक बात मैंने नोटिस किया सर, ये जब अभी ट्रेड लगाया बैठा, वो पेशेंस तो चाहिए, 6 घंटा 7 घंटा लगता है कभी कभी, वो कि मैं तो फोरेस करता हूँ उसमें, कभी कभी मार्केट अपना कैंडल स्टिक का तो पूरा पैटर्न बना देता है, फिर मूव नहीं आता है, वो साइडवेज चला जाता है, इधर उधर हो जाता है। अभी आपने सिखाया है, हमने भी इतना प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया, एक कभी तो क्या होता है कि जो पैटर्न बनता है ना, एक बार जाता है, फिर उसके बाद जो ब्रेक करके आता है ना बड़ा बड़ा कैंडल, उसमें कभी कभी तो एक एकोमोलेशन सा होता है, उसको ब्रेकआउट करने का टाइम लेता है, आवर में जाते हैं हम, और फिर उसके बाद 5 मिनट में एंट्री हो गया, आवर में देखते हैं, डेली में देखते हैं, सब कुछ है। कभी कभी क्या होता है, उसका मैंने आपको जो बोला ना मैं निकल गया, उसमें क्या होता है
वो तो आपने सही बताई, क्योंकि मैंने जब टारगेट हिट करने के लिए तो बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि दो दो 20 पॉइंट 30 पॉइंट के जब टारगेट के नजदीक जाता है वो बहुत टाइम लेता है वो हिट करने के लिए, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। अभी उसके नीचे, क्योंकि मेरा मेरा ये एंट्री का सिस्टम क्या है, एक डेली देखता हूँ, मेरा तो एक सपोर्टर स्टैंड में मेरा ज्यादातर वो होता है ट्रेड, जब डेली कैंडल अप हो जाए, फिर डेली में कभी कभी काम की वजह से वो डेली छूट जाता है, ब्रेकआउट हो चुका होता है, फिर वो रिटेस्ट में आता है, फिर डबल रिटेस्ट करता है, तो फिर मैं एंट्री करता हूँ। मेरा तो टोटली मेरा एंट्री का पैटर्न क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और आपका दो तीन दो ही करता हूँ अहिले, तो अभी तो एक होता है डबल बुलिश। माइक म्यूट हो गया अपना, आपका दीपेंद्र साहब अनम्यूट कीजिए। हाँ, इसमें ही करता हूँ, तो मेरा मेरा डबल बुलिश डबल बेरिश एक हो गया, एक बेरिश टॉप बुलिश टॉप, वो दो ही अभी किया है, बहुत आपने सीखा परफेक्ट। है, फिर भी एक दो दो के लेके चल रहा हूँ, उसमें ज्यादा है, फिर भी मैं मार्केट ऑफ ऑफ मार्केट और जो भी होता है वो तो देखता रहता हूँ, और देखने के मेरे गए एक दो महीना, ऐसा 2-3 महीने कितना टाइम लगेगा, मैं एक दो पैटर्न में आगे बढ़ूं, उसके बाद उसमें आपको मेरे को अच्छा भी लग रहा है डबल बेरिश और डबल बुरिश, वो थोड़ा सा इजी भी है, और आपको पकड़ने के लिए मेरे को लगता है मेरे को वो इजी लग रहा है, हाँ, और दो पैटर्न है, दो दो ग्रीन देखना है, दो रेड देखना है, नहीं वो नहीं 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 सपोर्ट नहीं लेवल ये में सब देखना। कैंडल वेंडर का कलर मत भूलिए, आप सिर्फ नाम हाँ लिखिए, मुझे सर, पता है आप हाँ क्या हाँ बोल रहे। हाँ उसमें वही करना है, और मेरे को इजी लगता है वो करता हूँ, और उसकी है, और वॉल्यूम देखता हूँ उसमें, आपने बताया था, एक ही माइंड में रखता हूँ कि वो आदमी क्यों ये सपोर्ट में सेल कर रहा है और असिस्टेंट में क्यों बाई कर रहा है, वो दो चीज क्लिक करता है मेरे को ट्रेड लेने के समय, जब भी कैंडल देखता हूँ तो एक ही हो रहा है, उसके हिसाब से फिर अगला पड़ाव जो भी आता है उसको सोच के फिर ट्रेड लेता हूँ, सही है, मेरा वैसे ही जा रहा है सर। सही है, सही है, बिल्कुल ओके थैंक यू सर। परफेक्ट है। जो आपने ये बताया ना कि काफ़ी सारे सिस्टम बताए हैं, लेकिन एंट्री लेने के लिए आप डबल बुलिश या बुलिश स्टॉप बेयर स्टॉप का यूज़ कर रहे हो, दो ही सही है। हाँ बताया तो हमने, सिंगल कैंडल फॉर्मेशन भी है, VSA भी बताया है, रेक्स लाइन वो भी फॉर्मेशन भी है। बताया है ना। लेकिन सबको, आपको नॉलेज है सबकी, अगर हम आपसे बोलेंगे कि सिंगल कैंडल फॉर्मेशन क्या होती है दीपेंस, आप बताइए तो आप बता भी दोगे हमें। आपको VSA भी पता है, आपको रेक्स लाइन बताइए। फॉर्मेशन मालूम सब है, लेकिन प्रैक्टिस किसी एक या किसी दो को ही, ज़्यादा से ज़्यादा दो को पकड़ लो, उन्हीं पर प्रैक्टिस करो अपनी। अभी दो पकड़ के चल रहे हैं। हाँ बस इनफ है, मोर देन इनफ है। सिंगल कैंडल तो क्या है, देखने में ही पता चलता है, डेली कैंडल का वो फॉर्मेशन ही पता हाँ चलता है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको हो जाता है, मगर जब ट्रेड की बारी आए तो हम जो छोटी टाइम फ्रेम में जाने के टाइम में मेरे को दो कंफर्टेबल लगता है, डबल बुलिश डबल बेरिश और बेरिश टॉप और बुलिश टॉप, स्टॉप, हाँ सही। उसमें वो कॉन्फिडेंट आता है, और उसका वो काम भी, वो जब काम करने वाला होता है ना वो दिखाई देता है आपको एक क्लियर से, ये काम करने वाला, नहीं तो वो साइडवाइज जाएगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं वो फटाफट जाने वाला है, तो उसको वॉल्यूम के और उसका जो पैटर्न बनता है ना, जो ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला, उसको दिखाई देता है कि हाँ ये काम करने वाला है। ठीक है, प्रोसेस सही है, एक सही दिशा में। मनोज साहब का भी ठीक था, आपका भी सही, 6 ट्रेड्स हैं, एक असल के, 5 में सेफ, परफेक्ट है। अरुण साहब आपने किया इस वीक या नहीं किया, माइक अनम्यूट कीजिए अपने। अरुण जी क्या रहा इस वीक का? हाँ नमस्ते सर। सर नमस्कार, नमस्कार। हमें तो समझ ही कुछ नहीं आया, हमारा बीच का छूट गया है ना। हाँ सर, अब बताइए। जो जितना हम शुरू में पढ़े थे ना, क्या नाम, फॉर्मेशन पहचानना, वो तो सब पहचान लेते हैं सर, उसके बाद में हम मणिपुर चले गए, वहाँ हमारा नेटवर्क नहीं मिला, तो हम वहीं के वहीं पे अभी भी हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग्स तो सारी, जैसे जैसे आप हमसे मांग रहे थे, हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग्स हम आपको दें, तो रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद में भी ये कन्फ्यूजन है सारे। सर डिस्कशन वाला सर। हाँ डिस्कशन तो सर, तब देखिए, ये तो आपके ऊपर, आप उसको कैसे क्या मैनेज करोगे, क्योंकि हमारी तरफ से जितना हम हो सर वहाँ सकता था। नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे सर, हाँ वहाँ मतलब अभी भी नेट नहीं है, हम चले जाएंगे 25 तक चले जाएंगे। हाँ अभी हमने देखा, आप 2 बार शायद ज्वाइन किए हो, कट हुआ सर,
ठीक है, तो आप आपके हाथ में भी ये इसको जितनी मैनेज कीजिए इस फार्मेशन है तरीके ना, से। SCF फार्मेशन है, ब्लू स्टार, वेरी स्टार, ये सब हम पूरा बहुत अच्छी तरीके से वो कर लिए हैं, लेकिन सर रेट कैसे लेना है फिर, ये और सर DOA इतना, यही सब नहीं हो पाता है हमसे। हाँ डेली टाइम फ्रेम पर कुछ फॉर्मेशन याद है जो हमने आपको बताई है? सर, डेली टाइम फ्रेम पे ब्लूज कंटिन्यूशन, ब्रिज कंटिन्यूशन याद है सर कि हाँ, जितनी फॉर्मेशन देखिए, बुलिश बेरिश कॉन्फर्मेशन है, VSA, ये भी डेली टाइम फ्रेम पर ही यूज़ होगी। मदर कैंडल फॉर्मेशन जो हम लोग एक्सेल फाइल से निकालते हैं, और जो स्कैनर अपना हाँ PVZ वहाँ से जो निकलती पहले है। वाला होता इसके है। बाद में वीकली स्टॉक्स जो होते हैं, और वीकली के बाद में आपका हाई टू हाई लो टू लो क्लोजिंग सिस्टम था, इसके बाद में आवरली सिस्टम है। ये सारे के सारे अभी तक हमने जो गिना ना, 4 से 5 ही डेली टाइम फ्रेम के मार्किंग के मेथड्स हैं। हमें मार्किंग कर लेनी है, मार्किंग करने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम पर आकर के जो फॉर्मेशन अपने एंट्री लेने की कंफर्मेशन हम जिसे लेते हैं ना फॉर्मेशन से, उन फॉर्मेशन से अपने एंट्री कंफर्मेशन लो, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। बाकी स्टॉप लॉस लगाने के जो रूल्स, वो पूरा एक वीडियो हमने आपको फॉरवर्ड किया था, वो देखो। स्टॉप लॉस लगाने के जितनी भी मेथड्स हम लोग यूज करते हैं वो सारे उसके अंदर हैं, जो रूल्स हैं स्टॉप लॉस लगाने के। स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग सिर्फ सिंपल ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लास्ट वीक तक हम लोग 1:2 पर थे, अब सॉरी लास्ट टू लास्ट वीक हम लोग 1:2 पर थे, इस वीक हम लोग 1:3 के लिए काम किया था, लेकिन 3 पर जाने के लिए कुछ तो अपने वो बताया था सिस्टम, सारी क्वांटिटी इसमें वो लेकर के 1:3 सर, पर नहीं जाना है। जो SL 0.6% है सर, वो जो उसका पूरा स्टॉक का रेट है उसका 0.6% होगा ना सर, हाँ, स्टॉक वैल्यू का 0.5%, लेस देन 0.5%। पूरी स्टॉक वैल्यू का। हाँ, स्टॉक वैल्यू का। अच्छा सर, देखते हैं सर, हम अब सीखने की कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ, करिए। सही टाइम पूजा जी, माइक हम पूजा हेलो। जी। हाँ सर, इस वीक में आपने मुझे बोला था कि वो PVZ स्कैनर से ही सो जो स्टॉक्स निकलेंगे हाँ ना उसमें हाँ ट्रेड ना, सही है। हाँ, लेकिन फिर पूरा वीक में तो मुझे हुआ ही नहीं एक भी ट्रेड करने के लिए सर। कोई भी ट्रेड नहीं किया आपने? नहीं, क्योंकि वो जो हमारे रूल्स है ना सर, मॉर्निंग का वो 0.8%, फिर उसके बाद में 9:45 के बाद में ही ट्रेड करना है, फिर अगर ट्रेड करने से पहले अगर 1% से ज्यादा मूव हो चुका है तो ट्रेड नहीं करना, वो सारे रूल्स में तो वो डिलीट ही हो जाते हैं। तो मतलब लास्ट वीक कोई भी ट्रेड नहीं किया आपने? नहीं सर, और ब्रेकआउट्स तो मतलब जैसे, एक मिनट मैं बताती हूँ। हाँ जैसे जैसे 6 तारीख को बजाज ऑटो था, फिर उसमें तो ऑलरेडी 5 मिनट्स में 0.95% का मूवमेंट हो चुका था, फिर 6 को, फिर उसके बाद 7th को कोई स्कैनर में स्टॉक था ही नहीं, फिर उसके बाद 8th में HCL टेक था, उसने नेक्स्ट डे ब्रेकआउट दिया सर 2:30 को, सेम ठीक डे तो है, कोई ब्रेकआउट ही नहीं था। 2:30 फिर को तो बंद हो गया। भारतीय एयरटेल में तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है, अभी तक भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में हीरो मोटो ने भी सेम, मॉर्निंग में वो फर्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी हो जाती है सर ये ब्रेकआउट स्टॉक्स में, तो 1.18% का मूव ऑलरेडी वो जो हमारे लेवल पे ही हो गया था आने से पहले, तो नहीं कर पाई। फिर ICICI बैंक में भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और टाइटन में 10th को जो टाइटन था उसमें सेम ऑलरेडी 5 मिनट्स में ही 1.12% का मूवमेंट हो गया है, तो दस को तो कैसे मेरे करें। ख्याल से ONGC और MNM आए थे ना। ONGC आपने नहीं बोला है ना सर, अच्छा, हाँ, ONGC आपने को ट्रेड नहीं करते नहीं हैं, बोले ONGC और NTPC। मैंने एक बार NTPC। NTPC किया था ना, वो फिर हाँ, ट्रेड के बाद तो वो डल ही हो गया एकदम, तो इसके लिए मैंने वो NTPC आया था फ्राइडे को, लेकिन वो मैंने किया नहीं। MNM में भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। पूजा जी, कॉल पर डिस्कस करते हैं आपसे कुछ, हाँ ठीक है सर, ओके ठीक ठीक है? चलिए, कॉल पर डिस्कस करेंगे आपसे। है सर, ओके सर। नहीं, उसका कुछ नहीं। प्रमोद साहब, माइक अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रमोद जी। इवनिंग सर। जी सर, फोर एक का टारगेट था, 3 साइड। टोटल कितने हुए थे ट्रेड? ट्रेड स्टॉप लॉस? सर, वेरी गुड, एक टारगेट 3 साइड हुए। साइड वे जी मार्केट सर। बहुत, लास्ट वीक भी यही सब ड्रामा हुआ है। कल जो ट्रेड हमने किया उसने करीब 7,000 रुपये का प्रॉफिट हमें दिखाया, और बाद में 4 या 5 हज़ार रुपये का कुछ कम, 4,000 रुपये के आसपास कुछ बुक किया था, वो भी साइड वे हुआ था पूरा।
लगभग 1-1.5 हफ्ते से साइड में ही चल रहा है। ऐसा हो रहा है, मतलब लास्ट वीक में काफी दिन ये रहे हैं साइड में हुई है मार्केट। जी कोई नहीं, उसको इतना सीरियसली मत लीजिए, बाकी SL सेफ है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, टारगेट भी मिल जाएंगे। सर, कुछ क्वेश्चन चारों ट्रेड्स को लेकर के प्रमोद साहब? नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं। ओके चलिए तब ठीक है, तो कंटिन्यू करिए, ऐसे ही कंटिन्यू करिए बिल्कुल। जी सर, थैंक ओके प्रियदर्शन जी। यू। हेलो प्रियदर्शन सर हेलो। जी, प्रियदर्शन हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, मैंने 5 ट्रेड लिए थे। टोटल प्रियदर्शन, टोटल कितने? 5, 5। ओके, स्टॉप लॉस 4 में गए। हाँ, 4 में एसएल गया है। 4 में एसएल गया और 1 में, वो भी माइनर लॉस में एग्जिट किया था। 5 के 5 में एसएल हम मानते हैं आपका, हाँ सर, क्या रीजन है 4 में क्यों एसएल गए? सर मैंने ब्रेक इनसाइड वाले, जो ब्रेक इनसाइड है वही ट्रेड ले लिया था। ब्रेकआउट नहीं किया था आपने? ब्रेकआउट नहीं, जो ब्रेक इनसाइड जो सेकंड कैंडल का वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है ना, डबल बेरिस या डबल बेरिस में, ऐसा वाला एंट्री लिया था। वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ था जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे जब वो टकराता है ना, तो मैंने उसके ऊपर बाय या सेल किया था, तो उसके नीचे ही आके थोड़ी देर में वो ऐसा निकला। लास्ट वीक आपके 4 ट्रेड थे, 4 में 2 में एसएल गए थे और 2 में टारगेट मिला था। हाँ लास्ट वीक ऐसा था। अब की बार आपने 5 के 5 में से 4 में एसएल चला गया, क्या कुछ चेंज क्या किया आपने पिछली बार से अभी में? चेंज क्या किया, क्या एक्सपेरिमेंट, नया कौन सा नहीं सर, एक्सपेरिमेंट किया? एक्सपेरिमेंट सर मैं ब्रेक इनसाइड पे ही ट्रेड लिया था और और कुछ नहीं ऐसा। इससे पहले जो ट्रेड्स कर रहे थे उसमें कौन से ट्रेड थे? एक ब्रेक इनसाइड वाला भी था और एक ब्रेकआउट वाला था। हमने ब्रेक इनसाइड ट्रेड करने के लिए मना किया हुआ है, पता है आपको? नहीं सर, मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में। मदर कैंडल में जब हम लोग एक्सेल फाइल से स्टॉक्स अपने निकालते हैं, तो आपको क्या लगता है उसमें हमने क्या करने के लिए बोला है? PVZ से जो हाँ स्टॉक, सर, अब उसमें से क्या हमने करने को बोला था आपको? वो तो ब्रेकआउट पे ही बोला था, लेकिन और एक क्लास पे आप जो ने बोला था डबल बुलिश या डबल बेरिश पे, हमसे सेल नहीं कर सकते, बाय भी कर सकते हैं या फिर बाय का वो सेल भी कर सकते हैं, ऐसा बोला था ना, वो जो वॉल्यूम का जो इंक्रीज होता था, हाँ। ऐसा वाला पैटर्न मिला था मुझे टाइटन में, और वो वीकली गेनर में भी था और PBZ के स्टॉक में भी आया था 10 तारीख को। टाइटन अच्छा, तो टाइटन में क्या किया था आपने? पैटर्न में मैंने बाय किया था। तुमको बाई कर लिया, टाइटन भी एसएल गया। ठीक हाँ टाइटन में सर गया। है, 4 ट्रेड्स थे, स्टॉक्स के नाम बताइए चारों के। एक था टाइटन, दूसरा हीरो, आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, चौथा टाइटन, और एक रिलायंस था। हीरो मोटोकॉर्प, आईसीआईसीआई, रिलायंस। पूजा जी, एक सेकेंड, हीरो मोटोकॉर्प का डेली टाइम फ्रेम का लेवल बोलिए अपना। 3175 3175। पॉइंट टू फाइव अच्छा, डेट 9 तारीख, हीरो। हाँ नौ। 9 को किया था। हाँ क्या लगता है ये ट्रेड कर सकते थे हम लोग हीरो मोटोकॉर्प को? नहीं सर, अगर ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मुझे लगा शायद नीचे आ जाएगा। वो छोड़ दीजिए, आपको लगा क्या लगा उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ ये बताइए कि हाँ ट्रेड सर, एग्जीक्यूशन के लिए जब हम, आपने आपको बताया था कि कौन से स्टॉक्स ट्रेड नहीं होंगे, अब बताइए हाँ सर, ये ट्रेडेबल है किसी एंगल से स्टॉक? पूरे दिन आपको लग रहा है कि कोई भी एक क्या बोल सकते हैं इसको, क्वालिटी मूव इसने दिया? ना सर, पूरे दिन देखिए 3186 और 3158 इसके बीच में घूमता रहा ना, और उसके अंदर ही आकर खत्म हो गया। पूजा ने पूरे वीक ट्रेड नहीं किए, सर जबकि 1% स्टॉक चल जा रहा था, 1.5% चल जा रहा था, तो वो छोड़ दे रही थी। वो क्यों छोड़ रही है? हाँ सर, नेक्स्ट वीक ऐसा करूँगा। अब जो स्टॉक ऑलरेडी 1.5% का मूव दिखा रहा, तो उसकी अपनी एक कैपेसिटी है, वो ज्यादा थोड़ी ना चलेगा, वो खत्म हो गया, 1.5-2% चल के वो हाँ खत्म सर, हो गया स्टॉक, अब वो साइड भी ही होगा। ठीक है, अच्छा है, आपका स्टॉप लॉस चला गया,
हीरो मोटोकॉर्प गया, टाइटन गया, आईसीआईसीआई बैंक, इसको कब किया था? इसको भी सेम 9 तारीख को ही किया। 9 को क्या देख करके? डेली टाइम फ्रेम का लेवल बोलिए अपना। 9:40.35 9:45 9:40.35 9:40 सर 45 940 एक को आपने किया है, 2-3 ये डेली टाइम फ्रेम का प्राइस था। हाँ सर। ये कहाँ से आया? 10th अक्टूबर से।